हे गाइस, वेलकम टू माँ के हाथों का खाना। गाइस, आज अपन सीखने वाले हैं विंटर में घी कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको दही लेना है, या फिर अगर आप छाली को स्टोर करके रखते हो पर डे का छाली, तो गाइस छाली स्टोर करने से पहले आपको जिस बाउल में आप स्टोर कर रहे हो उसमें आपको दही की कुछ क्वांटिटी ऐड कर देना है। उसके बाद आपको उसमें छाली डे बाय डे आपको उसको उसमें रखना है, स्टोर करना है। तो जब आपको घी निकालना है तो आप छाली और दही दोनों के लिए सेम प्रोसेस है जो माँ अभी बता रही हैं आपको, तो इस तरह से आपको करना है। तो छाली निकाल लो या फिर दही है तो दही डाल लो एक बड़े से कंटेनर में और उसको अच्छी तरह से मस लो, क्योंकि छाली जो फ्रीज में रखते हो वो टाइट हो जाता है थोड़ा, क्योंकि अब फ्रीज करने से सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे तो खुद से हो जाएंगे। अगर आपको जल्दी में चाहिए तो आप उसमें नॉर्मल वाटर ऐड करो और हाथ से इस तरह से मस लो, और उसके बाद आप मथनी की हेल्प से इसको मथो, या फिर आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो, या फिर इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हो, ग्राइंडर मशीन में डालकर भी इसको कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो जिससे आप कंफर्टेबल फील करो वैसे करो। माँ इस तरह से कर रही है, इस तरह से आप मत लो। अगर आप छाली स्टोर करते हो तो उसमें मैं पहले बोली कि आपको छाली स्टोर करने से पहले जिस बाउल में कर रहे हो, जिस भी कंटेनर में कर रहे हो, उसमें दही का कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेना है। तो गाइस ये इसलिए क्योंकि आप जब छाली स्टोर करो, क्योंकि छाली एक दिन में ज़्यादा नहीं होता, उससे आप घी नहीं निकाल सकते, तो कम से कम आप एक सप्ताह 10 दिन का छाली कलेक्ट करते हो, तो ज़्यादा दिन का जब छाली हो जाता है तब उससे बदबू आने लगती है। तो गाइस उस बदबू से बचने के लिए आपको उसमें ऐड करना है कुछ क्वांटिटी दही का। तो आप जब दही का उसमें क्वांटिटी ऐड कर दोगे तो आप 10 दिन 15 दिन या फिर एक सप्ताह तो भी उसमें कोई बदबू नहीं आएगा। इसका फ़ायदा ये है, अगर आप दही से घी निकाल रहे हो तो बहुत सही है, अगर आप छाली से निकाल रहे हो तो उसमें आप दही ऐड कर दो, उसके बाद उसको कलेक्ट करो और इस प्रोसेस से आप निकालो घी। तो गाइस ये रहा हॉट वाटर, गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, गर्म पानी को इसमें ऐड करना है। उसके बाद आप देखोगे कुछ ही मिनटों में ये सारे, इसके जितने सारे मक्खन है वो ऊपर आ जाएंगे। तो गाइस दूध से दही बनना और दही से अपन मक्खन निकालते हैं, गाइस ये प्रोसेस क्या होता है? गाइस जब अपन दूध में कुछ क्वांटिटी दही का डालते हैं तो दही में क्या होता है, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। जब अपन दूध में डालते हैं तो ये बैक्टीरिया उसमें बढ़ता है, बढ़ने से दूध में क्या होता है, थक्कापन बनने लगता है, मतलब वो गाढ़ा होने लगता है, विस्कस। तो उससे जब लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध जो होता है ना जम जाता है तो ये दही का फॉर्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं दही। दही एक्चुअली क्या है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जब उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, देखते हो कभी कभी दही बहुत पतला जमता है, कभी गाढ़ा जमता है एकदम, कभी कभी एकदम टाइट जमता है, तो बस ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का सारा खेल है, ठीक है। उसके बाद दही बनता है, दही के बाद इसको अपन मक्खन निकालते हैं, जब इसको अपन ग्राइंड करते हैं या फिर जब इसको मथते हैं, मथने से इसमें जो उसमें पार्टिकल्स है जो हल्के हो जाते हैं, जिसको अपन मक्खन बोलते हो, मक्खन जो ऊपर आकर फ्लॉट तैरने लगते हैं उसको अपन निकालते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर उससे घी बनता है। तो गाइस जो अपन दही से मक्खन बना रहे हैं, ठीक है, दही से घी, दही से मक्खन निकालना, कि कौन सा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है।
इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। गाइस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है जब आप दही से मक्खन निकालते हो, और मक्खन जो ये बहुत ही हल्का होता है दही, तभी तो ये ऊपर तैरने लगता है। जिसको आप ऊपर से छान लेते हो इस तरह जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इस तरह से आपको एक बड़े कंटेनर लाइक कढ़ाई, कढ़ाई में आपको ये सारे मक्खन को निकाल लेना है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और फिर इसको कढ़ाई को गर्म करना है, गर्म करते रहना है मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद ये घी में खुद से कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस चलिए अभी कंटिन्यू, आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। इसको अपन स्टार्टिंग में फुल फ्लेम पर इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे। आप देख सकते हो इसके सारे चेंजिंग आपको दिखेंगे। तो गाइस चलिए कुछ अब साइंस की बातें कर लेते हैं कि मक्खन प्रोसेस क्या है, कैसा है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। तो गाइस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? गाइस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है कि मान लो एक सर्कल है जिसको ब्रीथ बोलते हो, उसमें एक सेंटर है केंद्र। तो जो केंद्र पर से बाहर की ओर, जो सेंटर से बाहर की ओर जो फोर्स लगता है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हिंदी में अपकेंद्रीय बल। और जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो गाइस जो अपन ये मक्खन निकलने का प्रोसेस है ना, दही से मक्खन जो निकल रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें क्या होता है, जब आप इसको मथते हैं, जब अपन इसको मथते हैं, तो मथते हैं जो मथनी होता है वो बीच में होता है सेंटर, ठीक है। जब उसको मथ रहे हैं तो जो इसका फोर्स लग रहा है ना, तो सेंटर से बाहर की ओर लग रहा है। तो सेंटर से बाहर की ओर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सारे के सारे जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट होने की वजह से जो उसमें जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो टकरा कर हल्के होकर वो ऊपर आ जाते हैं, फ्लोटिंग करने लगते हैं, जो हल्के हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मक्खन होता है उसका टेंडेंसी हल्का हो जाता होना होता है, तो ऊपर आ जाता है, फिर उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल कर फिर इसको हीट कर इससे घी निकाल लेते हैं। तो गाइस ये रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सारा होता है। गाइस कपड़े सुखाने का मशीन भी जो होता है ना, जिसमें आप कपड़े धो लेते हो, वॉशिंग मशीन जिसमें आप कपड़े धोते हो और कपड़े को निचोड़ देकर सुखा भी देता है, तो गाइस ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही काम करता है। दूध से मक्खन निकालना भी ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही काम करता है। तो गाइस आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ये कैसा प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको गर्म करना है और बीच बीच में इस तरह से इसको आप चला लो कि ये चिपके ना कढ़ाई में, क्योंकि जो इसका एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो होते हैं ना, हैवी पार्टिकल, वो नीचे बैठ जाते हैं और घी ऊपर आ जाता है। आप देख रहे, आप कभी घी निकाले होगे या फिर जानते होगे, देखोगे आप घी निकालोगे तो उसके बाद आपको ब्राउन कुछ बचे हुए मिलेंगे। तो आप देखो इसको अच्छी तरह से, आप इस तरह से हीट कर लो।
गाइस जब आपको इस तरह से ब्राउनिश ब्राउनिश दिखने लगे तो आप समझ जाना है कि घी बनने का प्रोसेस हो चुका है खत्म। तो कर लेना है आपको फ्लेम को बंद और इसको वेट करना है ठंडा होने का। तो गाइस देख सकते हो ये घी ऊपर सारा का सारा जो आपको दिख रहा है ये घी है, और नीचे जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये जो हैवी पार्टिकल्स थे जो इसमें इसको गर्म करने पर एक्स्ट्रा मटेरियल बचा वो नीचे जम जाता है और ऊपर जो ये घी है ऊपर आ जाता है। इस तरह से आप इसको ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद इसको आप किसी अच्छे जार में, साफ जार में, गाइस आप प्लास्टिक को अवॉइड करो या फिर आप स्टील या फिर शीशे या फिर प्लास्टिक को अवॉइड करके आपके पास जो भी एक अच्छे सिंपल जार हो साफ, उसमें आप घी को स्टोर कर लो। शीशे में रखे हुआ चीज़ बहुत दिनों तक सही रहता है। आप देखते हो अचार या फिर जो भी अच्छे ब्रांड के कोई भी पिकल्स आते हैं, अचार आता है या फिर कोई समथिंग कुछ भी आता है, आप देखते हो ये टीन के डब्बे में आता है या फिर शीशे में आता है। अब हनी देख लो या फिर बाबा रामदेव का छोड़ दो, उसका तो प्लास्टिक में ही आता है, उनके अलावा कोई भी अच्छा चीज़ देखोगे ना तो शीशे में ही पैक आता है या फिर टीन में बंद आता है, जैसे बिस्किट्स लाइक। तो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। गाइस प्लीज कॉपी द लिंक एंड शेयर ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। गाइस ये मेरी माँ बनाती हैं सारा जो खाना जो मैं अपलोड करती हूँ, तो गाइस मैं एज पॉसिबल सोचती हूँ कि मैं उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर कहीं आपको डाउट लगे या फिर ना समझ में आया तो आप गाइस प्लीज़ कमेंट के थ्रू पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।